पिछले कुछ दिनों से सपा नेता एक एक करके पार्टी को अलविदा कह रहे हैं और अखिलेश यादव पर आजम खान की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच अचानक सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने शिवपाल यादव पहुंच गए। करीब सवा घंटे शिवपाल यादव और आजम खान के बीच मुलाकात का दौर चला, लेकिन जब मुलाकात करके बाहर निकले शिवपाल यादव तो सियासी भूचाल हिला दिया। और इसके साथ साथ लोकसभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, तो इस समय विधानसभा में आजम साहब से सीनियर कोई भी सदस्य नहीं है। और समाजवादी पार्टी आजम भाई की मदद करते या संघर्ष करती दिख नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है। सपा में जारी संकट के बीच जैसे ही आजम और शिवपाल की मुलाकात की खबर सामने आई, हड़कंप मच गया, जिसके बाद सपा के सहयोगियों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस मुलाकात पर अपने ही अंदाज में निशाना साधा। नेता दो मुहिया सांप हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई। अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं, तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। और आजम खान जी एक जो है बड़े नेता हैं, और बड़े नेता जेल में हैं, उनसे मिलना एक अलग बात है। आदमी कोई भी मिल सकता है। हाँ, इस समय जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले में वो उनसे मिलने गए हैं, तो उससे कुछ राजनीति का कोई मतलब नहीं निकल सकता है। चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा से सपा में शामिल हुए पूर्व MLC हरपाल सैनी ने सपा को अलविदा कह दिया है। इस दौरान हरपाल सैनी ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा और उन्हें अहंकारी बता दिया। इसके साथ ही कहा कि सपा में जाने का फैसला गलत था। इस दौरान हरपाल सैनी भावुक भी नजर आए।